दोस्तों आईपीएल का मेगा ऑक्शन बहुत करीब आ रहा है और कप्तानों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है हर टीमों में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि ऐसी पांच कौन सी टीमें हैं जिनको कप्तानों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पांच पुरानी टीमों ने तो मतलब अपने कप्तान लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि पुराने कप्तानों के साथ ही जाने वाली पाँच टीमें हैं जो कि मुंबई इंडियंस, सीएसके, दिल्ली कैपिटल, एसआरएच और राजस्थान रॉयल की टीम, मतलब पुराने कप्तानों के साथ ही जाने वाली है। लेकिन उसके अलावा पाँच ऐसी टीमें भी है जो कि कप्तानों के पीछे जाने वाली है, जिसमें दो नई टीमें भी इंक्लूडेड है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना ली। आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंच जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और सबसे पहली टीम जिन्होंने अभी तक अपना कप्तान अनाउंस नहीं करा है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। अब आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली तो स्टेप डाउन हो चुके हैं, मैंने आपको बहुत दफा बता दिया गया है, लेकिन इनके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है जो कि ग्लेन मैक्सवेल है। वैसे तो ग्लेन मैक्सवेल को कप्तानी का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन इन्होंने आरसीबी की टीम में आए उससे पहले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आए थे कि आरसीबी टीम में मैं खेलना चाहता हूं, और इनका परफॉर्मेंस भी उसी तरह का था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने, फिनिशिंग में भी बहुत अच्छा टच दिया था आरसीबी की टीम को, और वही कॉन्फिडेंस जो है इनका कप्तानी में भी चल सकता है। तो आरसीबी टीम एक तरह से देख सकती है ग्लेन मैक्सवेल को। दूसरी टीम जिनको कप्तान की बहुत जरूरत है इस बार के मेगा ऑक्शन में वो है लखनऊ की टीम। अब लखनऊ की टीम नई टीम आ रही है, और लखनऊ की टीम ने मतलब 99.9% अपना कप्तान तय कर दिया गया है, वो है केएल राहुल। रिपोर्ट्स की माने तो केएल राहुल लखनऊ की टीम में आ रहे हैं और एज अ कैप्टन आ रहे हैं, मतलब ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं लखनऊ की टीम के बारे में, बस एक अनाउंसमेंट बाकी है जो कि लखनऊ की टीम बहुत जल्द हमें करते हुए नजर आने वाली है। तो केएल राहुल हो सकते हैं लखनऊ की टीम के कप्तान। तीसरी टीम जिन्होंने अभी तक अपना कप्तान अनाउंस नहीं करा है वो है अहमदाबाद की टीम। अहमदाबाद की टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर या डेविड वार्नर में से कोई एक हमें करते हुए नजर आ सकता है, रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछो तो मेरे हिसाब से जो है श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास 2 साल का कप्तानी का अनुभव है आईपीएल का। 2019 और 20 में दिल्ली कैपिटल की टीम को मतलब बदल कर रख दिया है श्रेयस अय्यर ने कप्तानी में, और इनके प्लेयर का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया है। तो श्रेयस अय्यर के पास अनुभव है नो डाउट, और श्रेयस अय्यर एज अ लीडरशिप ही आने वाले कोई सी टीम में, और उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि मैं कोई सी टीम में जाऊंगा तो एज अ कैप्टन ही जाऊंगा, तो श्रेयस अय्यर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और वही बात करें तो डेविड वार्नर भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए कॉमेंट में बताइए। चौथी टीम जो कि कप्तानी की खोज में है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। ऑयन मॉर्गन को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन अब इनके पास भी कप्तानी का ऑप्शन नहीं बचा है। आपके पास आंद्रे रसल है, सुनील नारायण है, वेंकटेश अय्यर है, लेकिन इन 3-4 खिलाड़ियों को कप्तानी का अनुभव नहीं है। ऐसे में ऑयन मॉर्गन को वापस से टारगेट कर सकती है केकेआर की टीम, क्योंकि ऑयन मॉर्गन की कप्तानी आपने आईपीएल 2021 में देख ही ली होगी, यूएई वाले लेग में अलग ही चली थी इनकी कप्तानी, फाइनल में पहुंचाया था, और फाइनल में पहुंचाना मतलब कप्तानी कर बहुत बड़ी बात है। तो ऑयन मॉर्गन को देख सकती वापस से बैक कर सकती है केकेआर की टीम। पांचवी टीम जिनको कप्तान की जरूरत है वो है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान केएल राहुल भी ऑक्शन में आ रहे हैं या ड्राफ्ट पिक के जरिए दूसरी टीम में जा रहे हैं। ऐसे में मयंक अग्रवाल के बहुत ज्यादा चांसेस है पंजाब किंग्स की टीम को लीड करने के लिए। और अगर आप दूसरे ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो शिखर धवन को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पर्स बहुत बड़ा है और शिखर धवन के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कप्तानी करने का। आपने श्रीलंका दौरे में देखा होगा अच्छी कप्तानी चली थी इनकी, और इनके पास भी अच्छा खासा अनुभव है आईपीएल का, और आपको एक ओपनिंग जोड़ी भी मिल जाएगी मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की। तो मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ये दोनों में से, मेरे को शिखर धवन बेटर लग रहा है। आपके हिसाब से किसको बनाना चाहिए आप कमेंट में बताइए। तो ये पांच टीम थी जिनको कप्तान की जरूरत है, और ये कप्तान हो सकते हैं इन पांच टीमों के। आपके हिसाब से कौन हो सकता है आप कमेंट बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो सब तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में नहीं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।